डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ जी सीयू लाहौर डियर स्टूडेंट्स आज हम तीसरा पोलिसक्राइड पढ़ेंगे सेलुलोज इससे पहले हम पढ़ चुके हैं स्टार्च और ग्लाइकोजिन स्टार्च और ग्लाइकोजिन दोनों ही एल्फा डी ग्लूकोज के पोलिमर थे सेलुलोज बिल्कुल स्टार्च और ग्लाइकोजिन की तरह दिस इज होमोपोलीसेक्राइट इसका मतलब है इसमें भी सारे एक ही तरह के मोनोसेक्राइड होंगे और वो मोनोसेक्राइड हैं बीटा डी ग्लूकोज जो आपस में कंडेंस किए होते हैं वाया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स सेल्युलोज जो है दिस इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है ओन अर्थ सैलोस टेस्टलेस होता है क्योंकि पोलिसक्राइड है इन सोलूबल इन वाटर होता है ये वाटर में इसलिए सोल्यूबल नहीं होता क्योंकि ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है जितने बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उनको वाटर सॉल्वेट नहीं कर सकता वाटर उनको हाइड्रेट नहीं कर सकता सराउंड ही नहीं कर सकता इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल को दैट्स वाई दे आर इन सोलूबल इन वाटर लेकिन जब इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें ग्लूकोज के यूनिट्स, ग्लूकोज मॉलिक्यूल वापस मिल जाएंगे ये सेलुलोज ब्रेक हो जाएगा सेलुलोज पॉलीमर है बीटा डी ग्लूकोज का जो कि हर साल हंड्रेड बिलियन टन प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं हंड्रेड बिलियन टन सेलुलोज इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स एवरी ईयर हर साल प्लांट्स 100 बिलियन टन प्रोड्यूस करते हैं सेलुलोज जिसमें कॉटन 99% है नाइन परसेंट सेलुलोज है कॉटन में 99% परसेंट सेलुलोज होता है वुड में 50% परसेंट सेलुलोज होता है और इसमें बीटा डी ग्लूकोज के पंद्रह हजार तक यूनिट्स आपस में कंडेंस किए होते हैं अपटू फिफ्टीन तो 15,000 फिफ्टीन 15 थाउजेंड यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर कंडर टू फॉर्म सेलुलोज सेल की शेप को मेनटेन रखता है और फिर ऑस्मोटिक प्रेशर को withstand करने में भी हेल्प करता है सेलुलोज इट इज द पोलिमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज जो कि आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं इसमें एक ही तरह की लिंकेज होती है बीटा वन फोर क्योंकि इसमें वन सिक्स लिंकेज नहीं होती है इसका मतलब है इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है दिस इज दिन पोलिमर विद आउट एनी ब्रांच क्योंकि सारे के सारे इसमें लिंकेज बीटा वन फोर है अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज है क्योंकि जो एनोमेरिक कार्बन है इसका ओ OH एच ऊपर वाली साइड पे है सी एच टू ओ एच वाली साइड पे है तो दिस इज बीटा डी ग्लूकोज ये इसका एनोमेरिक कार्बन है कार्बन नंबर वन ये वो बाड है जो हैमी

Uh, हम सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं इस रिंग को इन्वर्ट करके लिख लेते हैं यानी ये ऑक्सीजन नीचे वाली साइड पे आ जाएगा ये ओ OH एच नीचे एच ऊपर ये ओ एच ऊपर एच नीचे ये ऊपर वाला रिंग का हिस्सा नीचे आ जाएगा और नीचे वाला रिंग का हिस्सा ऊपर चले जाएगा तो ये भी है बीटा डी ग्लूकोज ही सिर्फ हमने बॉन्डिंग को विजिबल बनाने के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको समझने की खातर कि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें चौथे कार्बन का जो ओ है उसको ऊपर ले आए चौथा कार्बन का ओ नीचे है हमने हाँ उसको ऊपर कर दिया है किस तरह रिंग को फ्लिप करवा के अब इसमें और इसमें वन फोर लिंकेज आराम से हो सकती है हैं तीनों ही बीटा डी ग्लूकोज तो ये देखें ये हमारे पास लिंकेज होगी ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है कार्बन नंबर वन और फोर के दरमियान। अब चूंकि ये बीटा डी ग्लूकोज हैं दोनों तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज बीटा वन फोर लिंकेज ये जो ग्लाइकोसिडिक बाड बना है चूंकि वन फोर के दरमियान और फिर ये बीटा डी ग्लूकोज है तो हम इसको बीटा वन फोर लिंकेज कह सकते हैं और साथ साथ ये ईथर लिंकेज भी है अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया ये हमारे पास एक डाइसक्राइड बन गया है अब इसमें अभी भी कार्बन नंबर वन और कार्बन नंबर फोर फ्री है तो इसका मतलब है ये लॉन्ग चेन बन सकती है दोनों एंड पे ऐड हो सकते हैं बीटा डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अब इसमें हम एक और बीटा डी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऐड करते हैं अब देखें ये कार्बन नंबर वन है कार्बन नंबर वन का ओ नीचे है और चौथे कार्बन का ओ भी नीचे होता है इसका मतलब है अब की बार जो हमारे पास रिंग होगी हमें उसको फ्लिप करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कार्बन नंबर जो फोर है वो पहले ही नीचे वाली साइड पे है उसका ओ तो यहाँ पर डायरेक्ट बाढ़ बन जाएगा एक्चुअली एक रिंग जब फ्लिप कर जाती है तो वो दोनों तरफ को बाढ़ बना सकती है तो ये ओ और ओ आपस में बांड बना लेंगे इसको अगर चाहिए हम नीचे वाली साइड पे बना रहे हैं लेकिन ये है बीटा बीटाई क्योंकि ये बीटा डी ग्लूकोज है हमने रिंग फ्लिप करवाई हुई है और ये भी बीटा डी ग्लूकोज है तो यहाँ पर एक नया लिंकेज बन गया दोनों के दरमियान वन और फोर दिस इज बीटा वन फोर लिंकेज अभी फर्दर एडिशन हो सकता है क्योंकि कार्बन वन और कार्बन फ्री है तो इस तरह हम एक और मॉलिक्यूल ऐड कर लेते हैं इसमें यहां पर अब अगर आप देखें तो ये जो बीटा ये वाला जो हमारे पास कार्बन है एनोमेरिक कार्बन राइट साइड पे तो ये वाला ओ एच ऊपर है अगर ये वाला ओ एच ऊपर है तो हमें चौथे ग्रुप जो चौथा कार्बन है उसका ओ एच भी ऊपर लेके आना पड़ेगा अगर इसका ओ एच ऊपर लेके जाएंगे तो हमें फिर रिंग को इस तरह से फ्लिप करवाना पड़ेगा यानी ये जो ऑक्सीजन वाली साइड है ये नीचे आ जाएगी सी एच टू ओ एच वाली साइड नीचे आ जाएगी देखें ये कार्बन नंबर वन है और ये वाला कार्बन नंबर फोर है तो यहाँ पर भी लिंकेज डेवलप हो जाएगी वन फोर और ये बीटा वन फोर लिंकेज होगी क्योंकि दोनों बीटा डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस किए हैं ये वन है और ये फोर है और ये बीटा वन फोर लिंकेज है इस तरह सेलुलोज की स्ट्रक्चर में अप टू फिफ्टीन थाउजेंड यूनिट अटैच हो जाते हैं और हमारे पास एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है पोलीसेक्राइड बन जाता है जिसको हम कहते हैं होमो पोलीसेक्राइड है उसमें सारे के सारे बीटा वन फोर लिंकेज हैं बीटा वन फोर लिंकेज है तो ये लीनियर पोलिमर है इसमें कहीं भी ब्रांचिंग नहीं है ब्रांचिंग आती है जब ये सी एच टू ओ एच जो है सिक्स वाला कार्बन भी लिंक कर जाता लिंक के जा जाते जाते या जो वाले कार्बन लिंक कर जाते, ये दूसरे वाला और तीसरे वाला तो फिर भी ब्रांच बन जाती आप नेक्स्ट है डी स्टूडेंट डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज ह्यूम तो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बॉडी में एंजाइम नहीं होता जो इसको ब्रेक डाउन कर सके हमारे बॉडी में हैमी एसिटल जो बॉन्ड है बीटा वाला बीटा है बॉन्ड इसको क्लीव करने वाला इसको ब्रेक करने वाला एंजाइम सेलुलेस नहीं है एनिमल्स में ये सैल्युलेस मौजूद होता है जैसा कि कॉज शीप हॉर्सेस क्या करते हैं इनके अंदर सिम्बियोटिक बैक्टेरिया होते हैं वो सिम्बियोटिक बैक्टेरिया एक्चुअली रिलीज करते हैं सेलुलेस और सेलुलेस डिजेस्ट करता है सेलुलोस को यानी डायरेक्ट एनिमल्स के पास भी कॉज शीप्स और दूसरे जो र्यूमिनेट्स हैं उनके पास भी ये वाला नहीं है एंजाइम वो अंदर, actually, उनके अंदर एक्चुअली उनके बॉडी में सिम्बियोटिक बैक्टीरिया मौजूद है वो जो सिम्बियोटिक है एक्चुअली वो रिलीज करता है सेल्यूलेस और वो जो सेलुलेस रिलीज होता है वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है एनिमल्स को सेलुलोज को वो इसको ब्रेक डाउन करके वापस ग्लूकोज में चेंज कर देता है ये था डी स्टूडेंट्स सेलुलोज की स्ट्रक्चर और उसकी डाइजेशन और उसमें लिंकेज किस तरह की लिंकेज मौजूद होती है थैंक यू वेरी मच